वीडियो से मुझे बहुत सारी बद्दुआएं मिलने वाली हैं, क्योंकि आज मैं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेचने वाले एजेंट्स का धंधा बंद करवा दूंगा। बट इन बद्दुआओं को लेने से मैं आपको लगातार 30 सालों तक बेवकूफ बनने से बचाऊंगा। तो जो बद्दुआएं मुझे इन्वेस्टमेंट एजेंट से मिली है ना, उसे आप लोगों ने अपनी दुआएं, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करके कंपनसेट करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मेरे एक फ्रेंड को बेचा जा रहा था। फ्रेंड का नाम और ब्रांड का नाम हमने हाइड किया है, बट मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड की एज 25 इयर्स है और वो जॉब करता है। अगर आपकी एज ज्यादा या कम है और आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं। बट सभी स्कीम में ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है। तो इस स्कीम में आपका क्या बेवकूफ बन रहा है, ये समझकर आप ये समझ जाएंगे कि क्या दूसरी स्कीम में भी आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक एक्सेल शीट भी देंगे, आगे उस एक्सेल शीट का यूज होगा, जिस एक्सेल शीट का यूज करके आप खुद भी ये पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है या सच में वो स्कीम आपके लिए यूजफुल है। तो इस स्कीम में आपको हर साल 1,00,000 रुपए 12 सालों तक इन्वेस्ट करने हैं, यानी आपको टोटल 12,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आपको 3,72,813 रुपीज मिलेंगे। बट ये पूरे 33 लाख आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप इस साल अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको इस साल 1,00,000 रुपए पे करने होंगे, तो इस साल तो आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल भी आपको 1,00,000 रुपए पे करने होंगे और नेक्स्ट ईयर से ही आपको 17,000 रुपीज मिलने लग जाएंगे। इसके बाद अगले साल भी आप 1,00,000 पे करेंगे, आपको 17,000 मिलेंगे। उसके अगले साल भी आप 1,00,000 पे करेंगे, आपको 17,000 मिलेंगे और ऐसे 12 सालों तक आप 1,00,000 रुपए पे करेंगे और हर साल आपको 17,000 रुपए 12 सालों तक मिलते रहेंगे। उसके बाद आपने पे करना बंद कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, मतलब आपने यही 12,00,000 रुपए पे करने हैं, जिसमें हर साल आपने 1,00,000 रुपए पे करने हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 12 सालों के बाद हर साल जो आपको अमाउंट मिलेगा वो बढ़ गया है। यहाँ पर 13th ईयर में आपको 51,000 मिलेंगे, 14th ईयर में भी आपको 51,000 मिलेंगे और फिर 15th ईयर में आपको 1,97,234 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद 4 साल आपको वापस 51,000 रुपीज मिलेंगे और फिर जो 20th ईयर होगा उसमें वापस से आपको 1,97,234 रुपीज मिलेंगे। फिर वापस से 4 साल आपको 51,000 रुपीज मिलेंगे, हर साल की बात कर रहा हूँ, 51,51,51,51। और फिर जो 25th ईयर होगा उसमें आपको 1,97,234 रुपीज मिलेंगे और उसके बाद वापस से आपको 4 साल 51,000 रुपीज मिलेंगे। और जो लास्ट यानी 30th ईयर होगा उसमें आपको एक साथ 18,65,067 रुपीज मिलेंगे और ऐसे टोटल आपको 33,00,000 रुपीज से भी ज्यादा अमाउंट मिलेगा। जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12,00,000 रुपए है और वो 12,00,000 भी आपने एक साथ नहीं देने हैं, आपने हर साल 1,00,000 रुपए देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कीम के साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा जो कि 10,00,000 से लेकर 16,00,000 रुपए तक का होगा। शुरू के कुछ साल में ये 10,00,000 रुपए रहेगा, उसके बाद ये अमाउंट बढ़कर 16,00,000 रुपीज तक का हो जाएगा। यानी एक तो इस स्कीम में आपका जो पैसा है वो सीधा लगभग ट्रिपल हो रहा है, मतलब आपने 12,00,000 इन्वेस्ट किए थे और आपको 33,00,000 रुपीज मिल रहे हैं और इसके साथ साथ ही आपको फ्री का एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो दिखने में तो ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम आपका बेवकूफ बना रही है। और वो बेवकूफ कैसे बना रही है, चलिए अब वो जानते हैं। तो देखो, एक स्कीम आपको बेवकूफ तभी बनाएगी जब वो आपको एफडी के बराबर या एफडी से कम रिटर्न्स दे, क्योंकि अगर वो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न्स दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एफडी रिटर्न्स की बात करें तो क्योंकि आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जनरली एफडी के जो रिटर्न्स होते हैं वो हाई होते हैं। तो अभी मैंने SBI की वेबसाइट खोल रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.66% के एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे। और इवन यहाँ पर एक और स्कीम है जिसमें अगर आप 400 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.29% के भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो क्योंकि आप इस स्कीम में अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 7% के तो रिटर्न्स मिलने चाहिए। यानी अगर इस स्कीम को एफडी से बेटर बनना है तो इसे कम से कम 7% के रिटर्न्स देने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है और वो रीजन ये है कि इस स्कीम में लॉक इन पीरियड है। क्योंकि जब आप एफडी करवाते हैं तो उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप चाहें तो उस टाइम पीरियड से पहले अपनी एफडी को तोड़वा सकते हैं, लेकिन ये जो स्कीम है इसमें आप टाइम से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये स्कीम 7% के रिटर्न्स दे देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्कीम में आपको 33,72,813 रुपीज मिलने वाले हैं। तो ये अमाउंट हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, 33,72,813 रुपीज। अब इसमें 12,00,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हम माइनस 12,00,000 करेंगे तो ये होता है 21,00,000 रुपीज। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 12,00,000 रुपए की, इससे
तो ये होता है 1.81, और क्योंकि हमें ये नंबर परसेंट की टर्म्स में चाहिए तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई विद 100 करना होगा, तो ये निकल कर आता है 181%। यानी आपको टोटल 181% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये रिटर्न्स जानकर हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो 181% के रिटर्न्स हैं, ये टोटल हमें 30 साल के बाद मिलेंगे, जबकि एफडी तो हमें हर साल रिटर्न्स देगी और वो रिटर्न्स कंपाउंड भी होंगे। तो क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जो रिटर्न्स हमने निकाले हैं, इसमें टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट करके हमें कोई फायदा नहीं है। बट जनरली जितनी भी इस टाइप की स्कीम्स होती हैं, वो सभी आपको ये अमाउंट दिखाकर ही बेची जाती हैं। इवन आप देख सकते हैं कि इसमें भी, इस स्कीम में भी इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप 12 लाख देंगे और आपको 33,72,813 रुपए मिलेंगे। तो जिन लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, उन्हें तो ये अमाउंट बड़ा लगेगा और इसलिए वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर हमें ये जानना है कि इस स्कीम में हमें हर साल कितने परसेंट के रिटर्न्स मिल रहे हैं, ताकि हम उसे अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी से कंपेयर कर सकें, तो इसके लिए हमें सीएजीआर रिटर्न्स कैलकुलेट करने होंगे। तो सीएजीआर रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनका यूज करके आप सीएजीआर रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे ही किसी एक ऑनलाइन टूल का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CAGR रिटर्न कैलकुलेटर। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई है, और इस वेबसाइट पे जाकर हम CAGR रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी इनिशियल वैल्यू डालनी है, अपनी फाइनल वैल्यू डालनी है, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर टाइम भी डालना है कि कितने टाइम में हमें वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम अमाउंट डाल लेते हैं। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है, यानी जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है 12 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे 12 लाख लिख देते हैं। अब हमें जो पैसे मिलेंगे वो है 33,72,813 रुपीज़। तो ये अमाउंट हमें मिलेगा, और यहाँ पे हमें जो ये टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितने साल के बाद मिलेगा, वो हमें 30 इयर्स के बाद मिलेगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 3.5% के CAGR रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि ये देखकर आपको गुस्सा आ रहा होगा, बट डोंट वरी, ये भी गलत ही रिटर्न्स है, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइनल अमाउंट को तो कैलकुलेट किया है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने ये पैसा एक साथ नहीं दिया था, हमने 12 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए थे, ये 12 लाख रुपए हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन में दिए थे, हमने हर साल 1-1 लाख रुपए करके अमाउंट दिया था। और इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि हमें काफी सारा अमाउंट अगले साल से ही मिलना शुरू हो गया था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम CAGR रिटर्न्स को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसमें हम इन सबको इंक्लूड कर सकें, और इन सबको इंक्लूड करने के बाद पता कर सकें कि हमें एक्चुअल में कितने परसेंट के रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिसमें हमने जो अमाउंट पे किया है वो अमाउंट भी हमें इंक्लूड करना है, जो अमाउंट हमें मिला है उसे भी हमें इंक्लूड करना है, और इसके साथ ही जो अमाउंट हमें लास्ट में मिलेगा उसे भी हमें इंक्लूड करना है। यानी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन में हमें पैसे मिल रहे हैं और मल्टीपल ट्रांजेक्शन में हम पैसे पे कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हम CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर हमें XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए ये डायरेक्टली समझते हैं एक्सेल शीट में। तो आ गए हम एक्सेल शीट में, यहां पर हमने वो सारा डेटा डाल दिया है जो कि हमने पीडीएफ में ऐड कर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहां पीडीएफ में जो भी डेटा था, जो भी अमाउंट हमने पे किया था वो भी, और जो अमाउंट हमें मिला है वो सारा अमाउंट हमने इस एक्सेल शीट में डाल दिया है। तो यहां आपको ये जो एक्सेल शीट नजर आ रही है, इसमें वो पीडीएफ का पूरा डेटा है जो अमाउंट हमें मिलने वाला है और जो अमाउंट हम पे करेंगे, और इसके साथ ही हमने वो सारी डेट भी मेंशन की है जिस डेट में हम वो अमाउंट पे करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जो अमाउंट हमने पे किया है, क्योंकि वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कटा है, इसलिए हमने उसके आगे माइनस लगा रखा है। तो क्योंकि हमने पहले साल 1 लाख रुपए दिए थे तो हमने -1 लाख लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2024 में हमने दोबारा से 1 लाख रुपए दिए थे तो उसके आगे भी हमने माइनस लगा रखा है। अब हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर हमें 17,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, तो क्योंकि ये 17,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे इसलिए हमने इसके आगे प्लस लगा रखा है, और प्लस आपको पता है एक्सेल में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम वापस से 1 लाख देंगे तो हमने माइनस लगाया है, फिर हमें 17,000 मिलेंगे, फिर हम 1 लाख देंगे फिर हमें 17,000 मिलेंगे, और ऐसे हम 1 लाख रुपए हर साल पे करेंगे और हमें 17,000 रुपीज मिलते रहेंगे, और ऐसे करके 2034 में हम लास्ट 1 लाख रुपए देंगे और हमें 17,184 रुपए मिलेंगे। उसके बाद से हमने आपको बताया था कि हमें 2 साल 51,000 मिलेंगे, फिर 1,97,000 मिलेंगे, फिर 4 साल 51,000 मिलेंगे, फिर 1,97,000 मिलेंगे, फिर 4 साल 51,000 मिलेंगे,
फिर 1,97,000, उसके बाद फिर से 4 साल 51,000 और लास्ट में हमें 18,65,067 रुपीस मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा डेटा ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हमने वो डेट्स भी ऐड कर दिए हैं जिस डेट में हमें अमाउंट पे करना है और जिस डेट में हमें वो अमाउंट मिलेगा। तो अब अगर आपको XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करना है तो जहां पर भी आपको XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करना है आपको उस कॉलम में जाना है। उस कॉलम में जाने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू XIRR, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर हमने D3 से D43 लिखा है। अब आप यहां पे देखेंगे तो हमारा जो D कॉलम है उसकी थर्ड रो से हमारा अमाउंट शुरू हो रहा है और D कॉलम की जो हमारी 43rd रो है वहां तक हमारा अमाउंट जा रहा है। तो जब हम D3 से D43 लिख देते हैं तो हमारे जितने भी अमाउंट है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद हमें वहां पर C3 से C43 लिखना है। तो C3 से C43 जब हम यहां पे लिखेंगे तो हमारी जितनी भी डेट है वो यहां पे सेलेक्ट हो जाएगी और ऐसा करने के बाद हमें ब्रैकेट बंद कर देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई विद 100 करना है। तो जब हम ये सारा फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारे जो रिटर्न्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि ये एक्सेल शीट हम आपको भी देंगे, अगर आपका जो अमाउंट है वो इसके अंदर आ जाता है फिर तो आपको फॉर्मूला को कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है वो इससे ज्यादा है, मान लीजिए 49 कॉलम तक आता है, तो आपने D3 से D49 करना होगा और C3 से C49 करना होगा क्योंकि उसके साथ ही आपको डेट भी मेंशन करनी होगी। तो हमारा क्योंकि D कॉलम की थर्ड रो से D कॉलम की 43rd रो तक अमाउंट लिखा है और C कॉलम की थर्ड रो से लेकर C कॉलम की 43rd रो तक हमारी डेट्स लिखी हैं, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई विद 100 किया है। तो इसके बाद जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके CIRR रिटर्न्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कीम में आपको 6.19% के रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि FD से कम है, अगर मान लेते हैं कि बाद में इंटरेस्ट रेट घट भी जाते हैं तब भी, क्योंकि इस स्कीम में आपको 30 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा, तो भी ये स्कीम उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको दिखाई जाती है और जितनी अच्छी दिखाकर आपको स्कीम्स बेची जाती हैं। अब आप कहेंगे कि इसके साथ साथ मुझे फ्री का 10 से 16 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है, तो चलिए इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो मान लेते हैं कि आप वही 1 लाख रुपए जो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले थे वो आप हर साल FD में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, यानी आप हर साल 1 लाख रुपए 12 सालों तक FD करवाते हैं, तो इसको हम SIP कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करने वाले हैं और यहां पर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ईयरली होगा। अब आप रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वैसे हम 7% के लेकर चल सकते हैं लेकिन मैं आपको 6% के ही रिटर्न्स लेकर चलता हूं। और उसके बाद अगर हम ईयर्स कैलकुलेट करें तो क्योंकि आप 12 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें 12 साल के रिटर्न्स निकालने होंगे, तो ये हम 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट कितना बन जाता है चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये अमाउंट बनता है 17,03,612 रुपए। अब आपको लग रहा होगा ये तो 33 लाख से बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखिए कि अभी हमने 12 साल के लिए इसको कैलकुलेट किया है। उस स्कीम में आप 12 साल तक जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको आपको अगले 18 साल यानी टोटल 30 साल तक रखना है। तो अब ये जो 17,03,612 रुपए हैं जो कि अगर आप हर साल 1 लाख रुपए की FD करते हैं और 12 साल तक FD करते जाते हैं और आपको 6% के रिटर्न्स मिलते हैं तो ये अमाउंट बन जाएगा। तो इस अमाउंट को अब हम अगले 18 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं और तब देखते हैं कि ये अमाउंट कितना बनता है। तो यही अगर आप 17 लाख रुपए जो अमाउंट वहां पर हमारा बना था उसको अगर आप 6% के इंटरेस्ट रेट पर अगले 18 साल के लिए रख देते हैं यानी अगले 18 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये अमाउंट जो आपका बन जाएगा वो होगा 50 लाख रुपए। यानी एक जगह पर आप उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें आपको 33 लाख रुपीस मिलेंगे और यहां पर सिर्फ आप FD में इन्वेस्ट करेंगे तब भी ये 50 लाख रुपए बन जाएंगे। तो ये देखकर अब आपको समझ आ गया होगा कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, ऊपर से आपका पैसा फंसा रह जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको दिखाया ऐसा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, हर साल देखो पैसा मिलेगा साथ में इंश्योरेंस भी मिलेगा, अभी इंश्योरेंस की बात बाकी है उसको भी करेंगे, तो जो नए लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है उनको लगता है कि स्कीम बहुत अच्छी है और वो ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं और लंबे टाइम के लिए उनका पैसा फंस जाता है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो देखो 16 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है और अगर मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली 16 लाख रुपए से सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो जब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना है
जो कि आपको जरूर करवाना चाहिए, तब आपको अपनी सैलरी के हिसाब से कम 50 लाख से 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यहां आपको 16 लाख रुपए का मैक्सिमम लाइफ कवर मिल रहा था, जबकि 1 करोड़ रुपए तक का कवर आपको सिर्फ 7000 रुपए साल देकर मिल सकता है। यानी महीने के आप 600 से 700 रुपए देकर 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को एक बार जरूर देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है या फिर नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको कहूंगा कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की जगह अगर आप हर साल वो अमाउंट एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं और आपको 6% के भी रिटर्न्स मिलते हैं ना, तब भी आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो कि इस स्कीम से बहुत ज्यादा है। और अगर आपको ये जो 50 लाख का अमाउंट है ये ज्यादा लग रहा है ना, तो अब मैं आपको एक और सही इन्वेस्टमेंट की जगह बताता हूं जहां पर उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे और तब भी ये जो अमाउंट है वो 1.5 से 2 करोड़ भी हो सकता है। उसको भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो देखो, क्योंकि इस स्कीम में आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप 30 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां पर स्टॉक मार्केट आपको जनरली अच्छे खासे रिटर्न्स दे देता है। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर डर मत जाना, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। तो देखो, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो जाए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दें, लेकिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे जो इंडेक्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आपको बताऊं तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में जनरली 12% के रिटर्न्स इजिली दे देता है। तो अगर आप डायरेक्टली निफ्टी जैसे किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके लिए तरीका होता है इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना, जो कि एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, तो वहां पर बहुत ही मिनिमम रिस्क लेकर आप इजिली 12% के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप वही 1 लाख रुपए हर साल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तब वो अमाउंट कितना हो जाएगा, चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 12 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करना है और हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और यहां पर हम जो रिटर्न्स मान के चल रहे हैं जो कि हमें इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं इजिली, वो है 12% के। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 साल बाद आपका जो अमाउंट होगा वो 25,15,761 रुपए हो जाएगा। और अगर सेम उस स्कीम के हिसाब से आप इस अमाउंट को अगले 18 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और वहां पर भी अगर आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो तब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने हमारा अमाउंट डाल दिया है, हमने 12% का इंटरेस्ट रेट डाल दिया है और हमने ईयर्स भी डाल दिए 18, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये अमाउंट आपके सामने कैलकुलेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 2,15,81,729 रुपए। यानी कहां वो स्कीम 30 साल में आपको सिर्फ 33 लाख रुपए दे रही है और यहां आप 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अब रही बात कि स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखो, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक म्यूचुअल फंड का पार्ट है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, बस आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से एंजल वन में आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा, जिससे आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और साथ ही स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब यहां पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी टीम में से किसी को डाउट था कि ये जो स्कीम है, क्योंकि इसमें लाइफ कवर भी इंक्लूड है, यानी इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो वही सेम टैक्स बेनिफिट आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी तो अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई एजेंट, जो कि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या नोन हो सकता है, वो ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कहे, तो सबसे पहले उससे ये पूछिए कि भाई इस स्कीम में XIRR रिटर्न्स कितने मिलेंगे। आई एम श्योर ज्यादातर केस में उस एजेंट को XIRR रिटर्न्स पता नहीं होंगे, और अगर पता भी होंगे तब भी आपको वो नहीं बताएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप हमारी इस एक्सेल शीट का यूज करके XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये खुद जज कर सकते हैं कि आपको उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और वो स्कीम आपके फायदे के लिए है या उस कंपनी या उस एजेंट के फायदे के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने लिए फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं, तो तीनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।